हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, अगर आप यूजीसी नेट मैनेजमेंट के लिए अपीयर हो रहे हैं फॉर दिसंबर 2019। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स परचेज करना है तो वो भी आप हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली आपकी जो यूनिट 10 है एंटरप्रेन्योरशिप की यूजीसी नेट मैनेजमेंट के अंदर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो इसके अंदर हम एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसएमई यानी स्मॉल बिजनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये देखिए, ये पहली वीडियो है इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की। सो इसके अंदर हम बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्दर वीडियोज़ के अंदर हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो भी आ सकते हैं इसके अंदर, हम उनको कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे, द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। सो यहाँ पे देखिए, आपके पास ऑप्शंस गिवन है, मैनेजमेंट ऑफ रिजल्टिंग एंटरप्राइज, डिटरमिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस प्लान। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसे ध्यान से देखें, तो देखिए सबसे पहले हम थर्ड स्टेप को देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, अगर उसे कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी मार्केट के अंदर, तभी वो किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करेगा। सो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है आपका, ये पहला स्टेप हो जाएगा एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस के अंदर। नाउ अब देखिए, फोर्थ पॉइंट आप देखें तो यहाँ पे लिखा है डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस प्लान। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब भी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हो जाएगी, सो ये जो एंटरप्रेन्योर है ये बिजनेस प्लान यहाँ पे डेवलप करेगा। अब देखिए, बिजनेस प्लान यहाँ पे सेकंड स्टेप क्यों है, देखिए आपने जब भी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा मैनेजमेंट के अंदर, सो यहाँ पे आपने देखा होगा कि प्लानिंग सबसे पहला स्टेप होता है, प्लानिंग, और उसके बाद आपका होता है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा। ओके, सो देखिए यहाँ पे जो आपका डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान है, ये सेकंड स्टेप हो जाएगा आपका। नाउ अब आप थर्ड स्टेप का देखेंगे तो डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेस, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं वो कहाँ कहाँ से आएंगे। रिसोर्सेस में आपके क्या आते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। सो यहाँ पे आपके पास लैंड, लेबर एंड कैपिटल कहाँ कहाँ से आप उसको अरेंज करेंगे, सो इसके बारे में होगा। सो ये आपका होगा थर्ड स्टेप। ओके, फोर्थ देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ रिजल्टिंग एंटरप्राइज। और जब आपके पास बिजनेस प्लान बन चुका है, रिसोर्सेज कंप्लीटली आ चुके हैं, सो अब आपको इसको केवल मैनेज करना है। सो आपका यहाँ जो होगा, ये होगा आपका फोर्थ स्टेप। ओके, देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी को देखें, सो देखिए यहाँ पे गिवन है, थर्ड स्टेप इज द फर्स्ट, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, फोर्थ है आपका डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान, सेकेंड है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, एंड फर्स्ट है आपका मैनेजमेंट ऑफ द रिजल्टिंग एंटरप्राइज। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है आपसे, एन एंटरप्रेन्योर हु इज नीदर विलिंग टू इंट्रोड्यूस न्यू चेंजेस नॉट टू एडॉप्ट न्यू मेथड्स। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है, ये अगर न्यू चेंजेस भी नहीं ला रहा है और कोई भी नया मेथड भी अडॉप्ट नहीं कर रहा है, सो ये बेसिकली किस टाइप का एंटरप्रेन्योर होगा। तो देखिए यहाँ पे पास ऑप्शन गिवन है, एडॉप्टिव, फैबियन, इनोवेटिव एंड ड्रोन एंटरप्रेन्योर। सो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एडॉप्टिव एंड इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर की। सो देखिए एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर्स के नाम से क्लियर हो रहा है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर ऐसा है जो कि मार्केट के अंदर चेंजेस हैं उनको अडॉप्ट कर ले रहा है, सो ये आपका होगा एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव होगा जो बेसिकली इनोवेशन पे बिलीव करते हैं, बेसिकली यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंज को बिलीव करते हैं यहाँ पे वो। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजिंग टर्म्स है, दैट इज फैबियन एंड ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ओके, अब देखिए फैबियन एंटरप्रेन्योर क्या होता है और ड्रोन एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए इसके अंदर थोड़ा सा माइनस सा डिफरेंस है। देखिए जो फैबियन एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, ये बेसिकली स्केप्टिकल टू चेंज होते हैं, स्केप्टिकल टू चेंज। अब इनको डर लगता है कि मे बी वो चेंज करें या ना करें, सो वो काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं कि उनको चेंजेस लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए। ये यहाँ पे इनका कल्चरल फैक्टर हो सकता है, यहाँ पे इनका कस्टम्स हो सकते हैं, ट्रेडिशंस हो सकते हैं। ओके, सो इन सब चीज़ों से ये बाउंडेड रहते हैं और इसीलिए चेंजेस लाने से थोड़ा सा स्केप्टिकल रहते हैं। नाउ अगर हम ड्रोन एंटरप्रेन्योर की बात करें, सो ये होते हैं बेसिकली, वो ना तो चेंजेस करते हैं, नो चेंजेस, कोई भी इनोवेशन नहीं करते हैं, इवन इफ दे सफर लॉसेस। ओके, इनको लॉसेस भी होंगे तभी ये चेंजेस नहीं लेके आते हैं, तो इनको बोलते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर। सो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये न्यू चेंजेस भी नहीं लाते हैं और कोई नया मेथड भी अडॉप्ट नहीं करते हैं, सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके,
सो यहाँ पे जो ड्रोन एंटरप्रेन्योर हैं ये कोई भी नए चेंजेस और नए मेथड को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। बट देखिए जो फैबियन एंटरप्रेन्योर होते हैं ये बेसिकली चेंजेस कर लेते हैं ओनली इफ अगर उन्हें काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग होती है कि जो हमारा बिजनेस है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो इन केसेस में जो फैबियन एंटरप्रेन्योर हैं वो चेंजेस कर लेते हैं। बट यहाँ पे जो ड्रोन एंटरप्रेन्योर हैं ये किसी भी सिचुएशन के अंदर जो है चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द वर्ड टैक्टिक इज मोस्ट लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद, सो ये बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो टैक्टिक वर्ड है किससे ज़्यादा एसोसिएट कर रहा है। तो यहाँ पे पास ऑप्शन है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी एंड बिहेवियरल स्ट्रेटजी। सो देखिए जब भी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे 3 टाइप की स्ट्रेटजी होती है, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड ऑपरेशनल स्ट्रेटजी। ओके बिहेवियरल स्ट्रेटजी नहीं होती है तो इसको हम साइड में रखते हैं, यहाँ पे आपका ये आंसर तो नहीं होगा। चलिए अगर हम ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी की बात करें, सो कॉर्पोरेट होती है बेसिकली जो सबसे टॉप मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी होती है, टॉप मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी। बिजनेस स्ट्रेटजी मिडिल मैनेजमेंट की होती है और ऑपरेशनल स्ट्रेटजी वर्किंग मैनेजर्स की स्ट्रेटजी होती है, वर्किंग मैनेजर्स। ओके अब देखिए जो टैक्टिक्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है। सो यहाँ पे जो आपकी टैक्टिक्स होते हैं ये होते हैं काफी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज जो कि आपको इमीडिएटली करनी होती है। सो इमीडिएट करने के लिए देखिए जो टॉप मैनेजमेंट होता है ये लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं, सो यहाँ पे शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। मिडिल मैनेजमेंट जो होते हैं ये भी जो होते हैं ये मीडियम लेवल के प्लान्स बनाते हैं। ओके मीडियम लेवल्स के प्लान बनाते हैं, सो यहाँ पे भी आप शॉर्ट टर्म या फिर काफ़ी इमीडिएट यूज होने वाली स्ट्रेटजी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। बट जो वर्किंग मैनेजर्स होते हैं यहाँ पे अगर वो किसी भी काम को करने के लिए शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है टैक्टिक्स। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एन एंटरप्रेन्योर हु इज डोमिनेटेड मोर बाय कस्टम्स, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस एंड पास्ट प्रैक्टिसेस एंड ही इज नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्क इज कॉल्ड। सो देखिए ये सितंबर 2013 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। सो देखिए यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया कि जो फैबियन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये बेसिकली कस्टम्स, रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस के बेसिस पे कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं बिकॉज ये उनसे बाउंडेड रहते हैं। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज फैबियन एंटरप्रेन्योर। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया ही इज नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्क, देखिए ये रेडी नहीं होते बट यहाँ पे देखिए जब भी यहाँ पे उन्हें कोई थ्रेटनिंग होती है सो यहाँ पे वो रिस्क लेते हैं, स्टिल दे टेक रिस्क। बट यहाँ पे अगर हम ड्रोन एंटरप्रेन्योर की बात करें जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया ये किसी भी स्टेज के अंदर रिस्क नहीं लेते हैं, कोई भी चेंजेस अडॉप्ट नहीं करते हैं, कोई भी नया इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। बट यहाँ पे जो फैबियन होते हैं ये थ्रेटनिंग होने पे रिस्क ले लेते हैं। ओके सो ये काफ़ी माइनस का डिफरेंस है इसके अंदर फैबियन एंड ड्रोन एंटरप्रेन्योर के बीच में, सो इसको आप समझ सकते हैं इसके अंदर। ओके सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट इज टू, सो यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में पूछा गया है। ओके वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, सो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। पहला है प्रोवाइड फंड टू द स्टेप्स नेसेसरी टू एस्टेब्लिश द कॉमर्शियल वायबिलिटी ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विस। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे कोई भी न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विस है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे फंड प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं। सेकेंड है आपको प्रोवाइड फंड एट ऑल स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विस, प्रोवाइड फंड एट ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोवाइड फंड एट ऑल स्टेजेस ऑफ रिसर्च एंड मार्केटिंग। अब देखिए यहाँ पे ये आपके तीनों ऑप्शंस हैं ये इनकरेक्ट हैं, क्यों देखिए ऑल स्टेजेस यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं ये ऑल स्टेजेस पे फंड प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओके सो इसके बेसिस पे आप इन तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, सो ये देखिए कोई भी नया प्रोजेक्ट होता है। ओके सो यहाँ पे कोई भी नया प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विस के लिए, सो यहाँ पे उसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं ये फंड प्रोवाइड करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं ये बेसिकली ये स्मॉल बिजनेस या स्टार्टअप्स जो होते हैं इनके अंदर अगर उनको ग्रोथ पोटेंशियल उन्हें दिखता है, ग्रोथ पोटेंशियल अगर उनको वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कोई भी स्मॉल बिजनेस या स्टार्टअप है उसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है तो उसके लिए जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं ये फंड्स प्रोवाइड करते हैं एट द इनिशियल स्टेज पे। ओके और ये किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, फॉर इक्विटी स्टेक इन द
कंपनी और स्टार्टअप। ओके, सो यहाँ पे जो वेंचर कैपिटलिस्ट है ये इनिशियल स्टेज में फंड प्रोवाइड करते हैं, ना कि ऑल स्टेजेस में। तो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स परचेस करना है सो वो भी आप हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।